फाउंडेशन द्वारा करनाल के निजी रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बेरोजगारी की जो सौदेबाजी हो रही है उसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर लिखित परीक्षा के आधार पर एवं अखबार में विज्ञापन के माध्यम से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एम्प्लॉयज रखे जाए। उन्होंने कहा कि संस्था के पास पिछले कुछ महीने से कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतें आ रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु अधिकारी भी इस मामले का प्रयास दबाने की ही कोशिश करते रहे, जिससे उन्होंने आरटीआई से जानकारी मांगी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिससे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन के अंतर्गत आने वाले 500 कर्मचारी के इर्द गिर्द कॉलेज के उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा कॉलेजों के नाम बदलने व शहर द्वारों के नाम रखने में व्यस्त हैं और उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी उन्होंने कोई खोज खबर नहीं निकाली। आरटीआई से पता चला है कि आज तक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ने संस्थान में एक भी पौधा नहीं खरीदा, जबकि लवली नर्सरी व अन्य नर्सरी से सैकड़ों पौधे लाए गए, जिनके नाम लाखों के बिल डकारे गए हैं, जो जांच का विषय है। रानी कंबोज ने कहा कि आम तौर पर शिकायतें आती हैं कि मेडिकल कॉलेज में सिफारिश से व्यक्ति लगाए जाते हैं व हटाए जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति वहां काम कर रहे हैं उनकी सुख सुविधा व अंदर उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं लेता और अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। जिसके पास योग्यता है और रिलेशंस नहीं है वो उसको धक्के खिलाए जा रहे हैं, पैसे ले लेके बंदे लग रहे हैं। 80,000 वाले बहुत सारे बंदे, एक्चुअली 1.5 लाख की डील है इनकी, 80,000 एडवांस, 80,000 लगने के बाद जो लग चुके हैं उनसे भुगतान कर ली गई है। तनख्वाह किसी की 17,000 है, किसी की 12-13,000 है, उस अकॉर्डिंग टू इन्होंने पैसा सेट कर रखा है। डायरेक्टर पर भी आरोप लगाए कि डायरेक्टर, देखिए सर, डायरेक्टर की जांच के अंदर सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अगर ये क्राइम रहा है, पैसे ले रहा है, उसके अकाउंट की स्टेटमेंट भी हमने दे दी आपको, तो फिर कौन जिम्मेवार है? डायरेक्टर ही है ना, क्योंकि वो डायरेक्टर की आईज है, इयर्स है, वही लोग अगर करप्शन में लिप्त है तो मीन्स डायरेक्ट रूप से लिप्त है। दूसरी बात, डायरेक्टर एडिशनल चार्ज पे है जो इस तरह की एक्टिविटी मतलब रोक सकता है, लेकिन किसी भी गलत गतिविधि को बढ़ावा नहीं दे सकता, लेकिन वो दे रहा है, तो कहां से इतनी डेयरिंग आ रही? क्यों इनको, इनके इतने दिल खुले हुए हैं कि जो मर्जी कर दो कोई पकड़ने वाला नहीं है? क्यों नहीं अनिल विजय इस तरह के छापे मार के इनको सस्पेंड करते? और हमें क्यों करना पड़ रहा है? जनता को क्यों कहना पड़ रहा है? उन कर्मचारियों को क्यों कहना पड़ रहा है? क्या ये नहीं जानते कि कर्मचारियों के साथ क्या कुछ हो रहा है? गैस प्लांट में आपके जिनकी टेक्निकल मान्यता कोई योग्यता ही नहीं है उनके पास, उनको लगा दिया गया, जिनकी खुद की जान को खतरा है वहां पे, वो दूसरों की जान कैसे बचाएंगे? गोरखपुर त्रास से भी हटिए, एक सेकंड लगेगा सर गैस प्लांट में हादसा होते हुए, ये किसकी वेट कर रहे हैं उस हादसे की? अनिल विज को क्या होश नहीं है? वो क्यों नहीं राउंड मारते कि वहां टेक्निकल एक बंदा नहीं है? उनको पता ही नहीं है कैसे ऑपरेट करना है। और हम लोग, आप देखिए, लिफ्ट ऑपरेटर इनके 10वीं 12वीं है जिनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। करनाल में इतनी बेरोजगारी, इतने पढ़े लिखे लड़के, इनको वहां लगाने के लिए लड़के नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सारे के सारे सिफारिशियां 10वीं 12वीं पैसे दे दे के आ जाते हैं, तो भ्रष्टाचार हो रहा है, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। पारदर्शिता की जो बात करते हैं, उनकी पारदर्शिता भ्रष्टाचार में है। मैडम ऐसा भी है कि जो लड़के हरियाणा से बाहर के लगाए हुए हैं, बिल्कुल मानशु मदान डायरेक्टर, लेकिन उनको हटा दिया गया है कोर्ट के नोटिस के दौरान के तहत के वो इसका इस पे पोस्ट पे कार्य नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने डीएमईआर में ऐसी सेटिंग बना रखी है कि बावजूद कोर्ट के कहने के भी वो अपने पद पर बैठी हुई है और करप्शन का लगातार हिस्सा बनी हुई है। क्या हो रहा है कि गोरखपुर त्रासदी जो हमने अभी भी झेली थी वो किसी भी क्षण हमारे करनाल में हो सकती है। कैसे? क्योंकि हमारे जितने भी गैस प्लांट में कर्मचारी लगे हैं वो फोर्थ क्लास बच्चे लगे हुए हैं, जिनको कोई टेक्निकल मान्यता, उनकी डिग्री उनके पास नहीं है, वो जानते ही नहीं उसके किस हालात में क्या काम करना चाहिए। तो उनको, वो खुद भी वहां डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारी यहाँ नौकरी लगा ड्यूटी यहाँ लगा दी गई, हमें खुद नहीं आता, हमें भी खतरा है, हमारी भी जान को खतरा है। तो जो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, लिफ्ट ऑपरेटर 10वीं 12वीं पास है, उनके पास कोई टेक्निकल मान्यता नहीं है, वो भी इस चीज को, वो भी खुद की भी जान खतरे में है और पेशेंट्स की भी जान खतरे में है, लेकिन इस तरफ कोई भी नेता ने आज तक आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाते हैं तो सिर्फ बंदे लगाने की, हटाने की, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते।
तो ये चीज कौन देखेगा? क्या इनका इनकी ड्यूटी नहीं बनती जब ये छापे मारते हैं? तो ये काम हमारा या आम आदमी या मीडिया का नहीं है, ये काम वहां जिसके जिसके कार्य के अधीन आते हैं ये सब, उसका काम है, हेल्थ मिनिस्टर का काम है, सीएम का काम है, लेकिन वो इन चीजों की तरफ नहीं देख रहे। ईएसआई कार्ड किसी को नहीं मिला, ईएसआई कार्ड इशू ना हो, इशू किए बगैर इनकी सैलरी नहीं मिल सकती, ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट का टेंडर कहता है, गाइडलाइन हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए पिछले 3 सालों से ईएसआई कार्ड के बगैर इनकी सैलरी इशू हो रही है। कैसे हो रही है? क्या इसमें धांधली नहीं है? इसलिए हो रही है क्योंकि वो मंथली पे कर लेते ले लेते हैं उनसे, अकाउंटेंट जितने भी है सेटिंग कर लेते हैं, या जो भी डिपार्टमेंट नीचे से नोडल ऑफिसर सभी लोग लिप्त हैं इसमें, बहुत सभी। तो हम एक की तो हम आज ही आपके आगे खुलासा रखेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा है इसलिए एक दिन में सफिशियंट कम्प्लीट नहीं हो पाए। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.